गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम ज्योग्राफी में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एयर। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। जो हमारा एटमॉस्फियर है वो 5 लेयर से मिलकर बना हुआ है, मतलब 5 लेयर में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये जो फाइव लेयर्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझा है। नाउ आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मतलब क्या होता है बच्चों? मौसम। जैसे आपसे पूछे ना आज का मौसम कैसा है, है आज गर्मी है या फिर आज रेनी है, बारिश का मौसम है, ठीक है। एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। देखिए, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, क्या आज मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या आज गर्मी ज़्यादा होगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेथ ऑफ अ वन डे मैच। जैसे कोई भी वन डे मैच होता है तो जो उसके क्रिकेट के फैंस हैं, एंशियस मतलब जो उत्सुक फैंस हैं, जिन्हें वन डे मैच देखने की बहुत उत्सुकता है, तो वो क्या करते रहते हैं, जो वन डे मैच का फेथ मतलब होता है भाग्य, लक, कि आज क्या होगा, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते रहते हैं, अंदाज़ा लगाते रहते हैं, है ना, कि आज क्या बारिश होगी, क्या आज बारिश होने वाली है, क्या आज का दिन गर्मी वाला होगा। तो इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं, अंदाज़ा लगाते रहते हैं। इफ़ वी इमेजिन आर बॉडी टू बी आ रेडियो एंड माइंड इट्स स्पीकर, अगर हमारी बॉडी, अगर हम इमेजिन करें, कल्पना करें कि हमारी बॉडी क्या है, एक रेडियो है, एंड माइंड इट्स स्पीकर, और जो माइंड है वो क्या है, स्पीकर है, मतलब बोलने का काम कौन करेगा, माइंड। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, तो वेदर भी यही है कि वेदर इज समथिंग, वेदर भी यही है जो क्या करता रहता है, फिडल करता रहता है, क्या करता रहता है बच्चों, फिडल करता रहता है, मतलब फिडल करने का मतलब क्या हुआ, बजता रहता है, विद किसके साथ, इट्स कंट्रोल नॉब्स, मतलब नॉब मतलब क्या होता है, नॉब मतलब होता है बटन, तो उसका मतलब एक कंट्रोल बटन है, ये क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए बटन है, तो वो बजता रहता है और कंट्रोल हो जाता है, मतलब उसके पास कंट्रोल बटन है, बजेगा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वेदर क्या है, मौसम क्या है, आर टू आर मतलब आज, अभी एक इस घंटे की बात करें या हम अगले घंटे की बात करें, डे टू डे आज के दिन की बात करें या कल के दिन की बात करें, तो उसकी कंडीशन, स्थिति किसकी, उसकी एटमॉस्फेयर की स्थिति। वेदर का मतलब क्या हुआ, मौसम का मतलब हुआ कि आज मौसम क्या है, कल मौसम क्या है, ये हो गया। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि अभी एक घंटे पहले तो बहुत गर्मी थी, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश हो गई तो बारिश होने से थोड़ी ठंडक हो गई, तो वो वेदर क्या है हमारा, घंटे में भी चेंज हो सकता है कि अभी एक घंटे पहले कुछ हो और एक घंटे बाद कुछ हो, और दिन टू दिन भी चेंज हो सकता है कि आज कुछ और हो कल कुछ और हो, ऐसे ही होता है। आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में आती है कि आज सनी डे है, आज गर्मी वाला दिन है, या फिर आज कह सकते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल डे है, तो इस तरीके का वेदर का मतलब हो गया मौसम जो है वो हमारा दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, अगर मौसम कैसा हो, गर्मी वाला हो, चिपचिपा मौसम हो, तो उससे हमें कितनी चिड़चिड़ाहट महसूस होती है ना, कितना चिड़चिड़ापन लगता है कि आज मौसम कैसा है, बहुत गर्मी वाला है, हमें मतलब ऑल टाइम गर्मी लगती रहती है, पसीना आता रहता है, मॉइस्चर चिपचिपा सा मौसम है, तो ये हमें क्या बना देता है, थोड़ा चिड़चिड़ा बना देता है, ऐसा मौसम होता है तो हम उस दिन कितने चिड़चिड़े से रहते हैं। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, लेकिन अगर मौसम कैसा हो, अगर मौसम बहुत सुहाना हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो, तो हम
क्या होते हैं, बहुत चीयरफुल हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बाहर जाने के लिए भी प्लान करने लगते हैं कि चलो आज मौसम अच्छा है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, चलो आज मौसम अच्छा है चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, आज मौसम कैसा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो हम बाहर चलते हैं। लेकिन कभी अगर बाहर गर्मी होती है तो हम कहते हैं बाहर जा रहे हैं, नहीं ना, वो चीज़ हमें चिड़चिड़ापन फील कराती है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, जो वेदर है, मौसम है, वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, मतलब ड्रामे करता रहता है, आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ, इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। हाउएवर, हालांकि, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाउएवर, हालांकि, जैसे किसी भी जगह का अगर जो मौसम है वो एवरेज रहे डेली बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक एक ही एवरेज टेम्परेचर है कि हाँ डेली गर्मी हो रही है, लेकिन बस क्या होता है कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कभी थोड़ी कम होती है, लेकिन गर्मी ही गर्मी है, तो वो उस जगह का क्या बन जाता है, क्लाइमेट। वही क्या कहलाता है बच्चों, क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, वह उस जगह की क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। आई बात समझ, वेदर आपका दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता, जलवायु चेंज नहीं होती। जब वेदर लंबे समय तक जो एवरेज कंडीशन है उसकी, लंबे समय तक मौसम की एक ही एवरेज आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके का मौसम चल रहा है बहुत समय तक, तो वही उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, तो आप समझ गए ना, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए कि हमारे पास डेली मौसम की होता है ना, डेली हमें पता रहता है कि आज का मौसम ये है कल का मौसम ये है। फोरकास्ट मतलब होता है बच्चों मौसम का पहले से ही अनुमान लगाना, तो हमें डेली पता चल जाता है। अब देखिए डू यू नो, पढ़ते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज होंगे टू नो दैट, ये जानकर, द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 billion parts of sun's energy, मतलब जो सूरज की रोशनी है उस रोशनी का कितना हिस्सा, 2 billion हिस्सा अर्थ रिसीव करता है, अर्थ लेता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब सभी को पता है तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। आप जो टेम्परेचर डेली फील करते हैं, प्रतिदिन जो आप फील करते हैं, वही क्या है, एटमोसफियर का टेम्परेचर है, तापमान है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हुआ, हवा का कितना गर्म होना और हवा का कितना ठंडा होना, वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर। कि हवा कितनी गर्म है और हवा कितनी ठंडी है, वही क्या कहलाता है बच्चों, टेम्परेचर मीन्स तापमान। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। किसी भी जो एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है वो दिन या रात में तो बदलता ही बदलता है और सीजन टू सीजन भी बदलता है ना, समर सीजन में गर्मी रहती है, विंटर सीजन में ठंड रहती है। तो कभी कभी आपने ऐसा भी देखा है कि आज दिन में टेम्परेचर थोड़ा कैसा है, ज़्यादा है, लेकिन रात में कम हो गया। तो टेम्परेचर डे टू नाइट भी बदलता है और सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इस इंसुलेशन। अब ये टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है कि कभी गर्मी है तो कभी थोड़ी कम गर्मी है, तो ये किसकी वजह से है, इंसुलेशन की वजह से। क्या इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब इंसुलेशन हम कह सकते हैं जो हमारी पृथ्वी पर क्या आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है ना, जो सूरज से हमें एनर्जी मिल रही है, तो जो सोलर एनर्जी आ रही है उसका अर्थ के द्वारा, जो अर्थ उसे रोक रही है, अर्थ रोक रही है ना, जो सूरज की रोशनी आ रही है तो अर्थ उसे रोक रही है, पृथ्वी रोक रही है, तो उसी को हम बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। देखिए
जैसे ये ग्लोब है आपका सपोज, अब ये क्या होते हैं, ये पोल्स हैं, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में क्या है, ये इक्वेटर लाइन है। तो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, मतलब जो इंसुलेशन का अमाउंट है, मतलब वो इंसुलेशन है, वो इक्वेटर से पोल्स की ओर क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्या होता है बच्चों, कम होता चला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है, जब इंसुलेशन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है, तो इसी तरीके से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। मतलब इंसुलेशन में अगर कोई चेंज आते हैं तो वो टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, इंसुलेशन की वजह से। तो जब जो इंसुलेशन है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो इंसुलेशन है वो कम होता जाता है, इसी वजह से टेम्परेचर भी इसी तरीके से कम होता चला जाता है, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वेदर इंस्ट्रूमेंट है, मेज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है, सभी को पता है। बैरोमीटर मेज़र करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करता है बैरोमीटर। रेन गॉज जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ना, कितनी रेनफॉल हुई उसको मेज़र करता है। विंड वेन करता है मेज़र किसको, ये शो करता है कि विंड की डायरेक्शन किधर है, विंड की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट है, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, आई बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो, अब आप समझ गए ना कि जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, वो आखिर उनके ऊपर इतनी, आखिर वहाँ पर स्नो क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो इंसुलेशन है वो इक्वेटर से लेकर पोल्स तक कम होता चला जाता है और इसी तरीके से टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है, तो वहाँ पर पोल्स पर ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर स्नो रहती है। इफ़ अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, तो क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं है ना, उन क्रॉप्स को बढ़ने के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए क्या हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस, अब जो सिटीज़ में जो टेम्परेचर होता है, जो शहरों में टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है विलेजेस के अकॉर्डिंग, मतलब सिटीज़ में ज़्यादा होता है और विलेज में कम होता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, तो क्या होता है, जो रोड्स बनी होती हैं है ना, तो जो बिल्डिंग्स मेटल्स वगैरह की बनी हैं तो वो क्या होती हैं, दिन के दौरान बहुत गर्म हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं। दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, अब वो दिन में गर्म हो जाती हैं, और क्या होता है, जब ये गर्मी है तो रात में क्या करती हैं, ये गर्मी निकलती है तो रात में भी गर्मी हो जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, अब जो सिटीज़ है वहाँ पर बहुत भीड़ वगैरह भी रहती है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, वो गर्म हवा को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, और इस वजह से सिटीज़ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है टेम्परेचर को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस, और ये किसने इन्वेंट किए हैं, एंडर्स सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
हम सेल्सियस स्केल पे देखें तो जो वाटर है जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी हमारा बॉयल होने लगता है। आपने देखा है जब आप गैस पे पानी रखते हैं तो रखते ही तो वो उबलने नहीं लगता ना, धीरे धीरे क्या होता है जब उसको गर्मी मिलती है तो गर्मी मिलने से टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुँच जाता है तो वो पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जब आप फ्रीज में पानी रखते हैं बर्फ़ बनाने के लिए तो पानी एकदम से बर्फ़ तो बन नहीं जाती, क्या होता है धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जाता है वहाँ का अंदर का, और जब 0 डिग्री हो जाता है तो हमारी बर्फ़ जम जाती है, मतलब पानी जम जाता है और बर्फ़ बन जाती है। तो जो टेम्परेचर नापने की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं आपको बता रही थी जो ये कंक्रीट और एसफल्ट की जो रोड्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं गर्मी को ट्रैप करके रखती हैं, मतलब दिन में ही गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, फिर क्या होता है इनमें से रात में गर्मी निकलती है। आपने देखा ना सड़कें कितनी गर्म होती हैं, तो इसी वजह से देखो ये आप देख रहे हैं ना रोड्स, एसफल्ट होता है एक मटेरियल होता है जिससे रोड्स बनाई जाती हैं, इसी तरीके से कंक्रीट एक मटेरियल होता है उससे रोड्स बनाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं दिन के दौरान हीट को ट्रैप करके रखती हैं, फिर वो हीट क्या होती है रात में निकलती है। अब विलेज में तो क्या होती है ऐसी सड़कें तो होती नहीं है, वहाँ पर इन मटेरियल्स की बनी हुई सड़कें तो होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन ऐसी सड़कें सिटीज़ में होती हैं तो यहाँ पर सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में एयर प्रेशर टॉपिक पढ़ाऊँगी, टिल देन आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।